दोस्तों, हुंडा एक्टिवा BS6 जिसको बोला जाता है 6G, अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करना चाहिए? आपकी गाड़ी का हॉर्न, आपकी गाड़ी का लाइट, आपकी गाड़ी का इंडिकेटर चालू है तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, उसका प्रॉब्लम मैंने वीडियो के अंदर बताया हूँ। हमारे पास आया हुआ है होंडा एक्टिवा BS6। पहले मैं आपको इसको गाड़ी के अंदर क्या बोलना हो रहा है, ना हॉर्न बज रहा है और ना सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक से हो रहा है। कई बाई चांस आपके पास प्रॉब्लम, हमारे पास जो कस्टमर आए हुए हैं बोलते हैं भाई इसका कहीं वायर कटा हुआ, लड़का भी हमारा बोल रहा है कहीं से वायर कटा हुआ रहेगा या फ्यूज जुड़ा हुआ रहेगा, बराबर। तो कभी भी ऐसे अगर प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करना है ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको गाड़ी को चाबी ऑन किए हूँ, चाबी ऑन करने के बाद देखिए लाइट चालू है, लाइट चालू है। तो आप कोई भी मैकेनिक बोलते हैं भाई हाँ तो लाइट चालू है तो गाड़ी में और कुछ प्रॉब्लम होगा भी, इसका हॉर्न भी नहीं बजता है। हॉर्न जो है दिखाता हूँ मैं, हॉर्न ये वाला देखिए, हॉर्न नहीं बज रहा है और इंडिकेटर भी आपको दिख रहा है वो नहीं चालू है। तो ये पूरा ये ओपन कर दिए, ये वाला ओपन करने के बाद बोलते हैं इसका कहीं फ्यूज उड़ा हुआ रहेगा, इसके अंदर पूरा फ्यूज, इसका फ्यूज भी नहीं उड़ा हुआ है, इसका कहीं से वायर भी कट नहीं हुआ है। कभी बाई चांस आपके पास गाड़ी ऐसे आई, सबसे पहले आपको बैटरी, जो ये वाला बैटरी होता है इसका बैटरी निकाल के दूसरा बैटरी आपको लगा के चेक करना है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है बैटरी का, मैं बैटरी आपको इसमें टच करके बताता हूँ मैं, क्योंकि इसका 100% बैटरी का प्रॉब्लम है, 99% नहीं। तो अभी देखिए हॉर्न नहीं बज रहा है, अभी मैं दूसरा बैटरी छुआता है, देखिए हॉर्न नहीं बज रहा है, अब दूसरा बैटरी लगाता हूँ मैं। अभी आपको दिख रहा होगा लड़के ने टच कर रहा है, बराबर टच नहीं हुआ, ये देखिए अभी इसको हम सेल मार के देखते हैं। ये देखिए गाड़ी भी स्टार्ट हो गया, अब इसको वापस बैटरी निकालो, बैटरी वापस निकाल लिए, ये देखिए वापस हॉर्न दबा रहा हूँ, ये देखिए नहीं बज रहा है, चाबी चालू है। और आपको जो लाइट होता है इसका लाइट, ये लाइट आपको चालू दिखेगा, क्योंकि ये लाइट का जो पावर होता है कम खींचता है, LED बल्ब है इसमें, छोटा छोटा बारीक बल्ब है, तो ये कंटिन्यू चालू रहता है। तो जो तरीका मैंने बताया तरीका अगर आप यूज़ करोगे आपको प्रॉब्लम बहुत इजी से आप पकड़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी जवाब दीजिए, आप बहुत इजी से आपके पास पहुंच जाए।